प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में हड़कंप मचा रखा है। आम से लेकर खास तक कोरोना वायरस के निशाने पर हैं। 5,500 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,50,000 से ज़्यादा लोग वायरस से पीड़ित हैं। बड़ी बात यह है कि भारत में भी कोरोना वायरस के मरीजों ने सेंचुरी लगा दी है। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए पुलिसकर्मियों के साथ ही आम नागरिकों को मास्क पहनने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही भारत के साथ सार्क देशों ने कोरोना वायरस से लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत में कोरोना वायरस के 11 मरीजों के ठीक होने की बात भी सामने आई है, जबकि 2 मरीजों की मौत पहले ही हो चुकी है। कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए कई शहरों में धारा 144 लगा दी गई है। भारत के अलावा अमेरिका और चीन में कोरोना वायरस के कारण खौफ का माहौल है। यूरोप के कई देशों में कोरोना वायरस से हालत काफ़ी ख़राब हो गए हैं। खुद WHO ने कोरोना वायरस के यूरोप में महामारी के रूप में फैलने की बात कही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए खास अलर्ट जारी किया है। WHO के ट्वीट में जिक्र है कि लोग अपने दैनिक जीवन के रूटीन का पालन करें, खासकर बच्चों को घर में ही रखें, बच्चों को घर में ही उचित वातावरण और खेलने का अवसर प्रदान करें। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस ने दुनिया भर में हड़कंप मचा रखा है। भारत में भी वायरस का कहर लगातार जारी है। हालांकि केंद्र से लेकर राज्य सरकार जरूरी कदम उठा रही है, लेकिन आपको भी जरूरी सावधानियां अपनानी होगी, क्योंकि यह कोरोना वायरस को हराने की जंग है। इसमें सभी को साथ आना होगा, तभी कोरोना वायरस को ख़त्म किया जा सकता है। इस खबर में इतना ही। दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए प्रभातखबर.com। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।